ये सही है कि राहुल जी की उपस्थिति और उनका दिया हुआ संदेश इसमें एक बहुत दूरगामी प्रभाव डालता है, लेकिन राहुल जी के कहने पर इतने लोग निकल कर आए हैं, सारे कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस से सहानुभूत रखने वाले लोग भी आए हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में जान है। और अगर जान है तो फिर संभावनाएं हैं, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। ये हमको लिफ्ट दे दी है ना, आपने वो सुना है, थोड़ी सी लिफ्ट दिला दे, लिफ्ट हमको मिली है। अब इसको लिफ्ट लेकर फिर हमको उड़ान करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, जमीन पर जाना है, हमको अपने संगठन को मजबूत करना है। वो सारा कार्य चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और उसको आगे पहुंचाएंगे तो मुझे पूरा लगता है कि हम इसका जो सही फायदा है, सही लाभ है, इसका उठा पाएंगे। कश्मीर का कोई कहे कि फियास्को हुआ है तो वो भारत के साथ प्यार नहीं करता। कश्मीर में समस्याएं हैं, कोई नहीं कहता कि कश्मीर में समस्या नहीं है, और आज से नहीं है, 47 से कश्मीर में समस्याएं रही हैं। और कश्मीर की समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास हमने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था। बल्कि अगर किसी को कश्मीर की भावना में जुड़ने का अवसर अगर प्राप्त हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हुआ, और जहां तक मेरी समझ है उन्हीं के समय में ये रॉ चीफ भी थे। तो अगर उनके समय में ये रॉ चीफ थे, उनके समय में इन्होंने कश्मीर को हैंडल किया, उनके समय में इन्होंने और उन्होंने मिलकर, जैसे उस वक्त अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिलकर कश्मीरियत, इंसानियत, अब जम्हूरियत की बात की, तो जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत गलत थी, ये बात कहें ना, ये बात कहें। अटल जी को, उनका पोएट थे, अटल जी भी एक कवि थे, तो उनका अपना भी यही मत रहा होगा, लेकिन किसी तो सिविल सर्वेंट ने इसको एक शक्ल देकर, एक शेप देकर उनके सामने प्रस्तुत किया होगा। तो अगर वो इन चीजों को सबको ही डिनाई करना चाहते हैं, सिर्फ इतनी घृणा कांग्रेस पार्टी से है कि हर अच्छाई में उन्हें बुराई दिखे, तो फिर इसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्ची बात यह है।